तारीफ करते हैं। वही एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की आज जमकर तारीफ की। मध्य प्रदेश पहुंचे हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिवराज सरकार में तेजी से काम हो रहा है, मध्य प्रदेश में तेजी से विकास हो रहा है, मध्य प्रदेश अब बीमारू राज्य नहीं रहा, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया है। एमपी को पीएम का तोहफा, भोपाल टू दिल्ली वंदे भारत की सौगात, चुनावी साल में एमपी को बड़ी सौगात। साथियों, मुझे खुशी है मध्य प्रदेश आज पुराने दिनों को पीछे छोड़ चुका है, अब मध्य प्रदेश निरंतर विकास की नई गाथा लिख रहा है। खेती हो या फिर उद्योग, आज एमपी का सामर्थ्य भारत के सामर्थ्य को विस्तार दे रहा है। विकास के जिन पैमानों पर कभी मध्य प्रदेश को बीमारू कहा जाता था, उनमें से अधिकतर में एमपी का प्रदर्शन प्रशंसनीय है। आज एमपी गरीबों के घर बनाने में अग्रणी राज्यों में है, हर घर जल पहुंचाने के लिए भी मध्य प्रदेश अच्छा काम कर रहा है, गेहूं सहित अनेक फसलों के उत्पादन में भी हमारे मध्य प्रदेश के किसान नए रिकॉर्ड बना रहे हैं, उद्योगों के मामले में भी अब ये राज्य निरंतर नए कीर्तिमानों की तरफ बढ़ रहा है। मौका वंदे भारत ट्रेन के शुभारंभ का था, लेकिन मंच से हुई बातों पर अगर गौर करें तो ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं रहता कि इसके जरिए निशाने पर 2023 में होने वाला विधानसभा चुनाव भी है। पीएम ने मंच से जहां सीएम की जमकर तारीफ की, तो वही एमपी में विकास की तेज रफ्तार का क्रेडिट भी शिवराज सरकार